आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्लास ब्रिक्स के बारे में कि जो ग्लास ब्रिक्स होती है जैसे कि आप देख रहे हैं दिखने में जो कुछ इस तरीके से होती है, इनका साइज लगभग 8 इंची बाय 8 इंची का साइज आता है और काफी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न कलर और शेप्स में भी जो आपको मिल जाती है और लेकिन मैक्सिमम जो स्क्वायर शेप में मिलती है। तो इनका जो यूज है वो बेसिकली आप इंटीरियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां कहां पे जो वो बिल्डिंग अंदर यूज कर सकते हैं पहला पॉइंट, और सेकंड जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम पे आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो दोनों ही बातों को जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वॉल ना एक ऐसी जगह है जहां पर आप इन ब्रिक्स का यूज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और नॉर्मल जो आपकी ब्रिक वॉल्स होती है उसी की तरह ही जो है वो इसका यूज होता है। अब आप इसका यूज जो है इंटीरियर वॉल के लिए भी कर सकते हैं और आप एक्सटीरियर वॉल के लिए भी कर सकते हैं, दोनों ही वॉल्स में जो है आप इन ब्रिक्स का यूज कर सकते हैं। और इसके जो फीचर है वो ये है कि ये सेम टाइम पे आपको प्राइवेसी भी प्रोवाइड करेगा और सेम टाइम पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके बाहर की साइड में जो भी नेचुरल लाइट है ना वो पेनिट्रेट होकर आपके घर के अंदर आएगी, तो नेचुरल लाइट भी जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। तो ये बहुत ही यूनिक फीचर है इसका, तो आप इसे वॉल्स पे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखिए विंडोज में ना आप इसका बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये, जैसे फॉर एग्जांपल आपका वन साइड घर है, अब आपके घर के साथ में किसी और का प्लॉट है, अब किसी और का प्लॉट है तो वहां पर आप विंडो तो ओपन नहीं कर सकते। अब जब तक आप उसका घर नहीं बनता है ना, अब आप उस जगह से जो आने वाली नेचुरल लाइट है उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो वहां पर आप ग्लास ब्रिक्स का यूज कर सकते। अब उसमें क्या होगा कि वो जो साथ वाला व्यक्ति है वो चाहे 4 साल बाद घर बनाए, 5 साल बाद घर बनाए, जब भी घर बनाएगा वो, तो वो जो ब्रिक्स है जब वो बनाएगा तो बंद हो जाएगी, लेकिन तब तक जब आपका नेचुरल लाइट आपको मिलती रहेगी, क्योंकि वहां पर आप विंडो तो ओपन नहीं कर सकते, ऑब्जेक्शन उठा देगा, मान सकते हैं कि आपको जो एयर है वो ना मिले लेकिन आपका जो नेचुरल लाइट है वो आपको डेफिनेटली मिल सकती है अगर आप ग्लास ब्रिक्स का यूज आप वॉल्स पे करते हैं। और बहुत सारी ऐसी जगह भी होती है जहां पर कि विंडोज में आपको प्राइवेसी चाहिए होती है, लाइक आपका बाथरूम हो गया, बेसमेंट हो गया, स्टेयरवेल्स हो गया, तो वहां पर भी जो है आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ग्लास ब्रिक्स का यूज आप जो है एज अ पार्टीशन भी कर सकते हैं। तो जैसे कि फोटो में देख रहे हैं दिखने में जो है कुछ इस तरीके से लगता है, तो इसका जो पार्टीशन है आप पब्लिक स्पेसिस हो गए, आपके ऑफिस के स्पेसिस हो गए, तो वहां पर आप इजिली कर सकते हैं। तो बेसिकली ग्लास ब्रिक्स का यूज ना आप फ्लोर्स पे भी कर सकते हैं, और इसका सबसे बढ़िया फायदा यह है कि जो नीचे जो भी स्पेस होगा तो फ्लोर से जो भी रोशनी है वो नीचे भी जाएगी, तो और दिखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग डिजाइन जो है लगता है। तो इसका जो यूज आप एज अ एसेंट वॉल भी कर सकते हैं, तो एक यूनिक टेक्सचर या फिर एक डिफरेंट फिनिश दिखाने के लिए भी जो आप वॉल पे आप इस ग्लास ब्रिक्स का यूज कर सकते हैं। फिर 6 पॉइंट में बात करते हैं कि आप इसका यूज फायर प्लेस वाली जगहों पे भी कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लुक वाले जो फायर प्लेस अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये जो है काफी एक यूनिक मटेरियल है जिसका आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली ग्रास ब्रिक्स का यूज ना आप फर्नीचर के पीसेस को क्रिएट करने के लिए भी कर सकते हैं, लाइक आपका टेबल की जो शेल्व्स हो गई, तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर ग्लास ब्रिक्स का यूज करते हैं तो बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही यूनिक टच जो है आप अपने इंटीरियर डिजाइनिंग में डाल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम ग्लास ब्रिक की अगर मैं समरी के बारे में बात करूँ, तो बहुत ही वर्सेटाइल बिल्डिंग मटीरियल है जिसका आप यूज करके अपने बिल्डिंग में एक न्यू टेक्सचर और न्यू एक फिनिश दे सकते हैं, और सेम टाइम पे ना आपका जो नेचुरल लाइट है वो भी आपके घर में जो है वो इजिली मिलती है, ब्लॉक नहीं होगी, क्योंकि अगर आप इसका यूज नहीं करेंगे और इसकी जगह नॉर्मल ब्रिक्स यूज करेंगे तो अगेन आपका नेचुरल लाइट तो ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका जो यूज है वो आप इंटीरियर्स और एक्सटीरियर दोनों ही स्पेसेस में काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब ग्लास ब्रिक्स को हम इंस्टॉल करते हैं, फिक्स करते हैं, तो उस टाइम पे हमें किस किस चीज का जो है वो ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से जो इसको इंस्टॉल करना चाहिए इसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि जो भी प्लेस में या फिर जो भी स्पेस में आप ग्लास ब्रिक्स को फिक्स करना चाहते हैं तो आपको इंश्योर कर लेना है वो जो स्पेस है वो ड्राई होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, आपका इंस्टॉल करने से पहले प्रॉपर जो है वो लेवल्ड होना चाहिए। और इसी के साथ साथ ही अगर वहाँ पे कोई मोर्टार है, ड्राई मोर्टार है, ओल्ड मोर्टार है, तो उसको आप अच्छे से जो है वो रिमूव कर लीजिए जितने भी ड्राई पार्टिकल्स हैं। फिर सेकेंड पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि इसको इंस्टॉल करने के लिए नॉर्मल मोर्टार नहीं आता, हाई क्वालिटी मोर्टार आता है, तो उसी का ही आपको यूज करना है, क्योंकि आपका जो भी मोर्टार आप यूज करेंगे ना आपको ध्यान रखना है कि एक साइड में ना वो ग्लास की साइड रहेगा, तो ग्लास के साथ जो है उस मोर्टार का फ्रेंडली होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ग्लास के साथ जो उसकी ग्रिपिंग नहीं बनेगी। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपके जो ग्लास ब्रिक्स होती है जब उसे फिक्स करते हो तो वो टाइम के साथ कहीं ना उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो इसीलिए मैंने बोला कि इसके लिए जो है वो स्पेशल मोर्टार आते हैं जिसका आपको यूज करना है। फिर थर्ड पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है वो है जब मोर्टार बन गया, मोर्टार आप ले आए, अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बहुत ही पतली लेयर जो है आपके मोर्टार की इसमें बन, और पतली और एकदम इवन लेयर आपको बनानी है ताकि आपकी जो ग्रिपिंग है मोर्टार की और ग्लास की तो वो काफी अच्छे तरीके से हो, तो वो तब होगी जब आप पतली लेयर करेंगे और यूनिफॉर्म लेयर बनाएंगे, तभी जो है आपका ग्लास और मोर्टार के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बनेगा। फिर फोर्थ पॉइंट ये कि जब भी ग्लास ब्रिक को आप फिक्स करते हैं तो आपको ध्यान रखना कि प्रॉपर लेवल्ड होने चाहिए वो, और उस
उसके बीच का जो गैप है वो भी इवनली रहना चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना, देखिए अब आपका मोर्टार का यूज हो गया, आपके ग्लास ब्रिक इंस्टॉल हो गए, अब उसमें कहीं ना कहीं छोटे मोटे कुछ गैप्स रहते हैं, तो आपको ना उसकी ग्राउटिंग करनी है। तो जो भी आपका जो ज्वाइंट्स हैं वहां पर आपको प्रॉपर ग्राउटिंग करके जितने भी छोटे मोटे गैप्स आपको दिखेंगे तो उसको आपको एकदम फिल कर लेना है, और ज्यादा प्रेशर जो उसमें नहीं लगाना, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ग्लास की ब्रिक्स है वो थोड़ी सी ब्रेक भी हो सकती है। और फिर सिक्स पॉइंट में अब सारी चीजें हो चुकी हैं, अब जो भी एक्स्ट्रा मोर्टार है या फिर जो एक्स्ट्रा ग्राउट जो कि आपने यूज करा है उसको एक हल्का सा गीला स्पॉन्ज लेकर के आप जो भी एक्स्ट्रा आपका वहां पे मसाला है तो उसको आप क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। और अब बात करते हैं सेवन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अब सारी चीजें मैंने आपको प्रोसेस बता दी है, अब सेवन पॉइंट जो कि लास्ट में आपको यूज करना है वो है सीलेंट का। तो अब जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताई है उसको करने के बाद ना आपको प्रॉपर जो है सारे जो ज्वाइंट है उसको एक बार और जो है वो सील कर लेना है सीलेंट्स के हेल्प। अब इसमें सिलिकॉन के सीलेंट आते हैं जो कि आपकी जो ग्लास ब्रिक्स है उसको मॉइस्चर से जो है वो बचा करके रखेंगे। और सो पूरी वीडियो मैंने जितनी जितनी चीजों के बारे में बात करी है, जो जो मुझे ऑनलाइन मिली मैंने उनके लिंक भी आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना रहे। और दोस्तों इस तरीके से जो है मैंने आपको बता दिया कि ग्लास ब्रिक्स का यूज आप कहां पर कर सकते हैं, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए इसको इंस्टॉल करवाते टाइम पे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए क्योंकि इस तरीके की वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट और मेहनत लगती है, तो आपके लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।